23 दिसंबर को पंजाब असेंबली टूट ही नहीं सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफतेन खान का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, अभी इसके नोटिसेस जारी होंगे। ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही असेंबली की तहलील होगी। बच्चों वाली बात ना करें, आईन और कानून से हटकर कोई काम नहीं होगा। कानूनी तौर पर मैं अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चेयर नहीं कर सकता। अदम एतमाद आ चुकी है, प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर, और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली सिफतेन खान का कहना था कि हम चाहते हैं कि असेंबली टूटे, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं, जबकि गवर्नर चाहते हैं हम आवाम के पास ना जाएं, इसलिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हम इन रोड़ों को दूर करेंगे और आवाम में जाएंगे। वजीर आला को बचाना मेरा काम नहीं, हुकूमत जाने और उसका काम जाने, हर कोई अपने आईनी दायरे में रहकर काम करे। गवर्नर साहब गैर कानूनी ऑर्डर पास ना करें, किसी को वजारत देना या ना देना गवर्नर का मसला ही नहीं है। गवर्नर जारी असेंबली सेशन में नया सेशन नहीं बुला सकते। गवर्नर के खत का जवाब दे दिया है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत-ए-हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।